पिछले दो दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना? मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहाँ तक जाएंगे मैं कहने आया हूँ। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगल सूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले दो दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगल सूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगल सूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगल सूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। सच्चाई ये है कि ये लोग महिलाओं का संघर्ष नहीं समझ सकते। महिलाओं के दिल में जो सेवा भाव होता है ना, वो सेवा भाव हमारे इस देश की सारी परंपराओं का आधार है। वही सेवा भाव, वो जो महिला जो रात को सोएगी नहीं जब तक सारे नहीं सो जाएंगे घर में, वो महिला जब परिवार में संकट आता है, पैसों की कमी होती है, तो वो अपने गहने गिरवी रखेगी। वो भूखी सोएगी लेकिन किसी और को भूखा नहीं सोने देगी। उसका संघर्ष ये लोग नहीं जानते हैं।